ये है आपका लिमतरा नान घाट, सिंहनाथ नदी, सिंहनाथ नदी लिमतरा नान घाट। ये देखिए, ये है आपका रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेस हाईवे का दो पुल और एक पुराना पुल। आज बारिश बंद हुए, 2 दिन हो गए और जल स्तर बहुत हद तक कम हो गया, पर फिर भी जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो कुछ स्टार्ट टाइम पानी, ये है पुल, ब्रिटिश ज़माने का पुल जिसके ऊपर से पानी चल रहा है। और इस पुल के ऊपर आगे एक लकड़ी पेड़ फंसा हुआ है, तो सड़क के उस पर दिख रहा जगह वो है आपका नानघाट। सड़क का इस पर है लिमचरा, मतलब ये हम बलोदरा जिला की तरफ खड़े हैं और नदी के उस पर है बेमेतरा जिला। आगे जो इंटरक्वेल दिख रहा है, वहीं पर एक स्टॉप डैम है जिसके ऊपर से पानी बहते हुए दिख रहा है आपको। इंटरक्वेल नानघाट की तरफ है, ऐसा नज़ारा है दोस्तों। जिस हिसाब से निशान दिख रहा है, ये कचड़ा यहाँ तक चढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक पानी आया होगा 2 दिन पहले। और जो उस खम्भे में मार्किंग है, देख सकते हैं आपको पिलर में 245 फीट वहाँ तक पानी चढ़ा होगा। देखिए ये, और अभी तो सब मछली पकड़ रहे हैं, पानी बढ़ा हुआ है, घट गया बहुत हद तक। इस हिसाब से सबसे दिख रही, इस हिसाब से तो पानी मेरे ख्याल से आप उस पिलर में देखिए, दूर से आप दूर कचड़ा जहाँ तक फंसा है वहाँ तक चढ़ा है पानी अधिकतम। अभी तो फिलहाल कम है, 1-2 दिन और उसके बाद ये पुल से भी पानी उतर जाएगा। देखिए जो लड़के खड़े हैं ना, ये पुल ही है, उसको थोड़ा सा घेरा गया है इसलिए पानी उछल रहा है। आप चाहें तो मेरे ख्याल से बीच में तो होगा बहाव, पर किनारे में नहीं अभी बहाव, अभी तो चल पा रहे हैं लोग। तो ये है दोस्तों सिंहनाथ नदी लिमतरा नानघाट से, और ये है आपका रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेस हाईवे का दो पुल, एक इसका 360 लेंगे हम, एक फुटेज इधर से ले लेते हैं, एक पुल के ऊपर से, एक उस पार से नानघाट की तरफ से, और एक सेकंड पुल से उस साइड जो आगे जाके निपनिया में। तो हाँ, यहाँ तो एक बात बताता चलूँ दोस्तों, अभी इस नदी में एक हाफ नदी आपको दिखाया था मेरे व्यू चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं हाफ नदी और सिंहनाथ नदी का संगम। तो यहाँ पर, यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर पहले एक नदी मिला हुआ है हाफ नदी, तो हाफ नदी में पानी अभी बहुत चल रहा था, कई पुल डूब गए थे, तो उस पानी की वजह से यहाँ का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। आपको जैसे मैं सिंगा का दिखाया था, इसी सिंहनाथ नदी का, तो वहाँ का एक अंग्रेज ज़माने पुल जो हमारे सामने है, वो भी अंग्रेज ज़माने पुल है जिसमें बच्चे खड़े हैं। तो ये देखिए, ये लगभग डूबा है, या कल 4-5 फीट पानी रहा होगा ऊपर कल या परसों, तो वहाँ तो नहीं है, सिंगा में ऊपर नहीं था, रेखा में आपने दिखाया था वहाँ पे वो खारू नदी, उसके पहले मिला था सोमनाथ में खारू नदी, उसमें पानी नहीं था, तो कम ही था। तो यहाँ ये पानी बढ़ने का कारण ये है, इसी के लगभग 5 किलोमीटर आगे तरपोंगी गांव में हाफ नदी मिला हुआ है शिवनाथ में, तो हाफ नदी में पानी है और शिवनाथ नदी में थोड़ा बहुत पानी था, तो प्लस होके ये देख लीजिए हालत क्या है। इसके आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे, इधर ये नदी के आगे आगे जाते जाएंगे, आपको पानी का जल स्तर ज़्यादा मिलता जाएगा, क्योंकि आगे लगातार नदियों का संगम है। आगे जाएंगे तो आपको मनियारी नदी मिलेगा, आपको निपनिया के पहले संगम, और उसके आगे जाएंगे तो आपको अरपा नदी मिलेगा, अरपा नदी के आगे जाएंगे जमुनिया नाला, उसके आगे आगे सर बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। अंत में आप जब तक क्या कहते हैं उसको, उटाई बंद तक पहुँचे, ये नहीं, हाँ उटाई बंद तक पहुँचेंगे तब तक ये पानी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे तो बाढ़ आ गया होगा,
आपका मतकुदी भी लगभग जो रास्ता है स्टॉप डेन तो है तो डूब गया है, आप मतकुदी नहीं जा सकते इस समय। देख लीजिए दोस्तों कैसा है पानी, ज़्यादा नहीं है अभी फ़िलहाल। ये तो टेलीफोन लाइन है, वो हमारे बचपन से लगा है, उस समय इसमें तार भी लगा था मेरे से। अब तो तार वाला टेलीफोन का ज़माना ही गया है, अब तो मोबाइल का ज़माना है, तो टेलीफोन की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी दो टेलीफोन का खंभे जीवित है, बाकी टेलीफोन के खंभे तो टूट गए। एक बार आपको सूखा नदी दिखाऊंगा, तो ये नदी कितना गहरा है आपको अंदाज़ा लगा पाएंगे। मेरे वीडियो डाला था पर वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम से उसको हटा दिया मैंने। अब हम पुल के ऊपर हैं दोस्तों, आपका ये है रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेस हाईवे और हम अभी सिंहनाथ नदी के ऊपर है। देखिए अब ऊपर का सीन है, ये अभी हम लोग यहाँ पे खड़े थे, अभी यहाँ पे खड़ा था मैं, फिर लूना खड़ा वहाँ पे। जहाँ लूना खड़ा होता है वहाँ पे खड़ा था मैं अभी, और यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं गरी से। जैसे कि आपको बताया था ये है आपका पुल, किधर गया, ये पुल है आपका ब्रिटिश ज़माने का, और सामने में दो टेलीफोन के खंभे हैं वो भी ब्रिटिश कालीन के हैं, जिसका अस्तित्व तो ख़त्म ही हो गया है कई ज़माने पहले से। देखिए हमारे पीछे ट्रकों का अंबार लगा हुआ, ये एक्सप्रेस हाईवे है रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेस हाईवे, और हमारे दूसरे तरफ है आपका नान घाट जो कि अब नया तहसील है आपका भीमेदर जिला का। जैसे हमारे जिला बलौदा में सुहेला है नया तहसील बैसी, ये भीमेदर जिला का नान घाट है। जैसे कि आप देख रहे हैं आगे एक पेड़ फंसा हुआ है, जब पानी बंद हो जाएगा इसमें पानी घट जाएगा तो पेड़ गायब हो जाएगा, मतलब आदमी लोग गायब कर देंगे। देखिए कुछ लड़कियां भी आई है वीडियो बनाने, शहर के क्या हम लोग गांव के बाद जो नदी के बिना रहते हैं वो लोग भी हमको नदी देखना अच्छा लगता है। अब फ़ोटो खिंचवाएंगे नदी के किनारे, फोटोशूट चालू मॉडल का। जो भी आता है यहाँ पर खड़ा होकर नदी का नज़ारा देखता है, देख लीजिए लाइन से यहाँ गाड़ी की लाइन खड़ी है, और वो है आने का रास्ता बिलासपुर रायपुर एक्सप्रेस हाईवे का, और ये रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेस हाईवे जहाँ दिन भर गाड़ियों का रेला लगा रहता है। जिस पार का गांव है ये मेरा सनी घर भी है, नीम तरह मेरा निजी निवास है, और ये नदी किनारे जो पेड़ों का घना शून देख रहा है, ये हमारा कभी जामबाड़ी था, आधा तो नदी में घुस गया आधा कुछ हिस्सा बचा हुआ है जामबाड़ी, अब उसका कोई मालिक नहीं है तो हम लोग भी ध्यान नहीं देते। जैसे कि चल रहा है फोटो से नए नए पोज में, और ये है आपका मोटरोला G42 मोबाइल जो एक साल पुराना है, एंड्रॉयड 12 में चल रहा है, एंड्रॉयड 13 का अपडेट मिलने की उम्मीद है पर अभी तक मिला नहीं है, और इस ट्रकों की वजह से ये स्प्रिंग जैसा हिल रहा है पुल, ये स्प्रिंग लगा हुआ है जो पुल वाइब्रेट होता है।
मछली पकड़ने वाला बच्चे पकड़ रहे हैं दोस्तों, और मछलियाँ अपने फोटोशूट में लगी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर भी नदी देखने के लिए आए हुए हैं। उधर साहब वहाँ से भी जितना उतरा था मैं उतना ही वहाँ से भी उतर सकता हूँ, आपको वहाँ से भी दिखाऊँगा दोस्तों। आज मैं तो ऐसा कभी वहाँ से बनाया नहीं हूँ, पर आज मैं बनाने की कोशिश करूँगा वहाँ से, और दूसरा साइड भी दिखाएंगे दोस्तों। इधर का दिखाने के बाद उधर का भी दिखाएंगे आपको। ये स्टॉप डैम है और ये इंटेक वेल है आपका, वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है दोस्तों। तो स्टॉप डैम में जब सूखा मौसम रहेगा तो आपको जाकर दिखाऊंगा स्टॉप डैम कैसा है। ये आपका है नानगढ़ साइड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये नानगढ़ साइड है। हम नानगढ़ साइड जा चुके हैं, पर अभी पुल ऊपर है, पुल के नीचे नहीं उतरते। देखिए ये इस सड़क से आप आगे जाएंगे, आगे इसका नानगढ़ का बस स्टैंड मिलेगा आपको। आप इस आगे से रास्ता गया है, हम बस खड़ी है उसके पास, रास्ता कटा हुआ है, रोड लगा हुआ है आपका नानगढ़ के लिए। आप उस रास्ते में कटेंगे तो 100 मीटर आगे जाने के बाद आपको बाएं साइड घूमना पड़ेगा। तो बाएं साइड घूमेंगे तो आपको बस स्टैंड मिलेगा। तो उसी बस स्टैंड से के अंदर से ये पक्की सड़क आया हुआ है यहाँ पर, जो पहले यूज़ होता था अंग्रेज ज़माने या इस दोनों पुल के बनने से पहले। यहाँ पे लोग नहाने आते हैं, बाइक धोने आते हैं। देखिए ये भाई साहब बाइक धो रहा है, और जो वाइब्रेशन होगा ना दोस्तों, ये सड़क का है पुल का, तो ट्रक जब भी ट्रक हेवी लोड हो जाते हैं तो ये पुल हिलता है, स्विंग जाता है। यहाँ पे एक डोंगी रखा हुआ है दोस्तों, जो मछली पकड़ने वालों का काम आता है, या पाइप भी वैसे ऐसे लगता है, नहीं रस्सी है, एंकर लगाए गए हैं, बहे मत पानी इसमें। यहाँ कोई फैमिली इधर उधर करने आया ऐसा लगता है, या नदी देखना ही है। देखिए दोस्तों ऐसा दिखता है, हाँ ये लकड़ी यहाँ से अच्छा दिखेगा दोस्तों, देखते हैं जूम करके। बम्बुल का लग रहा है मुझको, इसका टंगाली शायद फंस गया है अंदर। पुल है दोस्तों, ब्रिटिश जमाने का पुल डूबा हुआ है। अब इसी को कई यूट्यूबर बोलेंगे बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, पुल डूब गया है दोस्तों। ये यूज़ नहीं होता तो उतना हमको फर्क नहीं पड़ता कि इसमें ये डूबा हुआ है। हाँ भाटापारा पुल है जो सिमरिया घाट वाला है, वो डूब गया होगा क्योंकि उसका जो हाइट है ना बहुत कम है दोस्तों, वो किनारे ऊँचा है और बीच से गहरा, मतलब क्या कहना चाहिए, वलिया काल है, वलिया मतलब थोड़ा सा ऐसा टर्निंग है, मतलब ऊपर से नीचे है, घुमाव वाला है, इसलिए वो डूब जाता है, उसका हाइट भी कम है। देखिए पूरा ट्रैफिक आ रहा है अभी आपके रायपुर से, रायपुर से है। देखिए दोस्तों यहाँ से मुंगेली और रसीदा बिलासपुर जाने के लिए रास्ता है। देखिए आगे से रास्ता कटा हुआ, देखिए ट्रैक्टर आ रहा है, ये आपका मुंगेली जाने के लिए रास्ता है दोस्तों। मुंगेली जिला, मुंगेली मुख्यालय, और ये है फिलहाल बेमेतरा जिला। यहाँ पहला ये दिख रहा है आपको, ये है नानघाट। चीटी तो नहीं कहते, गांव ही है, पर तहसील बन गया ये है, पर गांव ही है दोस्तों। अभी दिखाने के लिए रुका था दोस्तों, अब मैं यू टर्न लेके उस पर चला जाऊंगा सड़क के उस पर, और वापसी आपको दिखाऊंगा। आगे से वो सिग्नल लगा है, वहाँ से मैं यू टर्न ले लूँगा। यहाँ से यू टर्न लेके मैं उस पर चला जाऊँगा। अब मैं दोस्तों बिलासपुर रायपुर एक्सप्रेस वे में खड़ा हूँ, जो उधर से आके मैं रिटर्न वाले रास्ते में आ गया हूँ। ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों, यहाँ कोई भी उल्टा साइड आ सकता है। तो इस पुल के डिजाइन थोड़ा अलग है दोस्तों, देखिए
यहाँ चलने के लिए फुटपाथ भी बनाया गया है अलग से, और ये है आपका किनारा। मेरा आवाज़ कितना आ रहा है नहीं जाता दोस्तों, हवा का सर सर आवाज़ आ रहा हो तो नहीं पता दोस्तों। और ये स्प्रिंग जैसा इतना हिल रहा है, और ये सामने दिख रहा है पुराना पुल है दोस्तों, इसको अपडेट छोड़ दिया गया है। ये हमारे जब मैं समझिए 6 साल का था ना तब बन रहा था, अभी मेरी उम्र होगी लगभग 37 साल की, तो समझ सक लीजिए लगभग 30 साल पहले बनाया गया, और 20 साल यूज़ हुआ उसके 10 साल से छोड़ दिया गया है, 10 ही साल में ख़राब हो गया। इसका स्प्रिंग का जॉइंट का जो स्प्रिंग है वो ख़त्म हो गया बोलते हैं भाई इंजीनियर लोग। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग जैसे कि इस पुल में लगा हुआ है, अभी जब भी ट्रक गुजरता है यहाँ से तो एक वाइब्रेशन महसूस होता है, स्प्रिंग वो स्प्रिंग ख़राब हो गया यहाँ पर, और हम फिर से वापस मुंगेली ज़िला से वापस बलौदा जिले में प्रवेश करेंगे यहाँ से। तो ये अब दारू वालों के लिए अड्डा बन गया है, यहाँ बैठने आते हैं। जगह जगह से पुल टूट गया है तो ये खतरे से खाली नहीं है, पुल चलने के लायक नहीं है, फिर भी घूमने आते हैं लोग, कहते हैं ना खतरों खिलाड़ी वाला वैसी वाला कहानी। तो ऐसा है दोस्तों, जो कचरा चढ़ जहाँ तक चढ़ा हुआ है वहाँ तक चढ़ा हुआ था पानी, अभी तो नहीं है, तो उस किनारे से लेते हैं दोस्तों। अभी इस किनारे हो गया तो आगे एक किनारे से लेते हैं, उसके बाद हो गया इसका वीडियो पूरा कंप्लीट। देख लेने क्या इधर कोई गाड़ी तो आ ही नहीं रहा है। उधर है दोस्तों आपका मुंगेली ज़िला, मुंगेली ज़िला नहीं बेमेतर जी सॉरी, मुंगेली ज़िला जाने का रास्ता है पर है बेमेतर ज़िला, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है मुंगेली का, पर ये है आपका बेमेतर ज़िला नदी की ठीक उस पर। कुछ दूर आगे जाएंगे तो आप जैसे बैतलपुर पहुँचेंगे ना तो आप पहुँच जाएंगे आप मुंगेली ज़िला, तो फिलहाल अभी यहाँ बेमेतर ज़िला है।